ओए होए, हेलो दोस्तों, आपका इस पोकेमोन के नए दुनिया में दोबारा से स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी पोकेमोन बैटल्स। अरे कजामा, लेकिन उसके लिए तो हमें बहुत सारे पोकेमोन चाहिए होंगे ना। अरे दोस्तों, हम नए नए पोकेमोन पकड़ेंगे। चलो अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, चलो दोस्तों, अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग सभी लोगों से लड़ेंगे और उनको दिखाएंगे कि पोकेमोन्स की दुनिया में सबसे बेस्ट ट्रेनर्स आ चुके हैं। अरे हेलो दीदी, क्या हो गया? हेलो, कैसे हो? तुम्हें पता है, तुम अपने पोकेमोन्स के साथ खेल भी सकते हो, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, और अगर वो खुश रहेंगे तो लड़ाई में और भी ज्यादा ताकतवर रहेंगे। मतलब अभी मैं मेरे पिकाचू के साथ खेलना पड़ेगा? हाँ, तुम्हें तुम्हारे पिकाचू के साथ भी खेलना है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश रहेगा और लड़ाई में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। अच्छा, मतलब हमें अभी इस मोटू को हैप्पी रखना पड़ेगा। तो चलो इसको थोड़ी गुदी गुदी करते हैं। गुदी। अरे हस हस, अरे ये तो देखो गुस्सा कर रहा है। मसाओ, तुम्हें खिलाना नहीं आता? देखो, ये ऐसे खिलाते इसको। ये तो खुश हो गया। अरे हाँ, चलो इसको थोड़ी बेरीज खिला देते हैं, फिर तो और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये बेरीज का की और ज्यादा मोटा हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा खुश रहेगा। बहुत अच्छे, ऐसे ही तुम अपने पोकेमोन्स को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो मुझे ये सब पता था, लेकिन आपका फिर भी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, चलो थोड़े पोकेमोन पकड़े। ये चूहे वाले पोकेमोन को पकड़े क्या हम लोग? नहीं कजामा, ये चूहे वाला पोकेमोन हमें नहीं चाहिए। चलो पकड़ ही लेते हैं, क्या ही चला जाएगा, बैटल्स भी तो करनी है। अरे हाँ, वैसे बात तो सही है, चलो बोचन पकड़ ही लेते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं अपनी पोकेबॉल फेंकूंगा। और ये हो जा, बस निकलियो मत। पकड़ा जा। और ये हमने इसको पकड़ लिया। इसका नाम क्या है वैसे? इसका नाम है रटाटा। मतलब अभी हमने रटाटा को पकड़ा, लेकिन ये नाम इतना अजीब क्यों है? अरे पता नहीं कैसे कैसे नाम है, लेकिन जो भी है, ये पोकेमोन हमारी कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा। और ये पोकेमोन तो मुझे बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी लग रहा है। मतलब इस अग्रेसिव पोकेमोन को अभी हमें पकड़ के अपने बैग में रखना है। पकड़ के बैग में रख भी लिया है। यहाँ पे बहुत सारी ये पोकेमोन आ रही है। तो वही अंकल है जिनका पार्सल हमने प्रोफेसर ओक को दिया था। अरे दोस्तों, हमें थैंक यू बोल रही है। अरे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा पार्सल प्रोफेसर ओक को दिया। अब ये लो, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट, और ये तुम्हारे काम आएगा। अंकल ने हमें कुछ पोशंस दी है। और ये पोशन में क्या है? इसमें चोको चिप का चॉकलेट तो नहीं? अरे कुछ भी, मतलब शिंचन कुछ भी। और ये बच्चा क्या कर रहा है? ओए, मैं तुम्हारे साथ मैच खेलने आया हूँ और मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। चलो मेरे साथ पोकेमोन बैटल करो। चलो तो सबसे पहला बैटल इसी के साथ करते हैं। अच्छा ठीक है, तेरे इसका नाम तो यंगस्टर रोनी है। अब देखो, मेरी तरफ से आता है मेरा पोकेमोन रटाटा। ये तो हमने अभी भी पकड़ा था। जाओ पिकाचू, अभी तुम इसको हरा दो। चलो पिकाचू। नहीं कजामा, इस बार हम पिकाचू की जगह पिजी को चांस देंगे। गो पिजी। अच्छा ठीक है शिंजन, जैसा तुम्हारी मर्जी। कोई भी पोकेमोन ले आओ, लेकिन जीतेगा तो मेरा रटाटा ही। देखना रटाटा अटैक। ये पद वाला अटैक तो इसका फेल हो गया। अरे वह सस्ता पद मारता इसका रटाटा तो। चलो पिजी, अब तुम्हारी बारी। अरे मेरा पिजी मारेगा सैंड अटैक। ओके लेट्स गो पिजी, दिखा दो इसको अपना कमाल। ये लो, सबसे पहले मेरे रटाटा का अटैक। ये क्या बात हुई? ये तो बुरी बात है, इसके रटाटा ने तुम्हारी ऊपर दोबारा अटैक किया। ये मेरे रटाटा ने तुम्हारा अटैक रोक दिया। देख लिया ना, मेरा रटाटा तुम्हारे पिजी से कितना ज्यादा पावरफुल है। अरे शिंचन, मुझे लगता है हमारा पिजी हार जाएगा। पिजी टैकल करो पिजी। अरे पिजी टैकल करो। अरे नहीं, ये पिजी का तो हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो गया कजामा। अरे मुझे लगता है हमारा पिजी हारने वाला शिंचन। मुझे लगता है हमें पिजी की जगह पिकाचू को भेज देना चाहिए। हाँ, वरना पहले ही पोकेमोन बैटल हार जाएंगे। ओके गो पिकाचू, अभी सिर के रटाटा को दिखा दो कि तुम क्या हो। अरे वाह, इसने दोबारा सस्ता पद मारा। शिंचन, इसका सस्ता पद कोई काम का नहीं। अभी तुम देखो, मेरा रटाटा तुम्हारे पिकाचू को ही हरा देगा। चलो ना पिकाचू, ठंडे शॉक मार के उसका खेल खत्म करो। ये क्या, मेरा रटाटे को तो पिकाचू ने हरा दिया। तुम सब तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा तगड़े पोकेमोन है। अरे वाह, तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हें पता है हम इस दुनिया के बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर हैं, जिनसे तुमने बैटल के लिए चैलेंज किया है। हाँ बेचारा यंगस्टर होने, कोई बात नहीं, तुम अभी बच्चे हो, अगली बार आना। अरे यार, मैं तो अपना बैटल हार गया। ठीक है, तुम लोग जीत गए। भाई तुम्हारे साथ मजा आया खेल के। हाँ, इसके साथ बहुत मजा आया।
क्या बात है, पोकेमोन बैटल। अरे पोकेमोन बैटल के बाद अपने पोकेमोन को हील भी करना होता है। जाके उनको पोकेमोन सेंटर लेके जाओ और वहाँ पे अपने पोकेमोन को हील करो ताकि वो उनकी तबीयत भी ठीक रहे। इतना भी नहीं पता तुम लोग को? अरे ये चीता नल्ला कहीं का, देखो तो हमारी बेइज्जती करके चला गया। लेकिन बात उसने सही कही कजामा। तो चलो हम लोग पोकेमोन सेंटर चलते हैं। अरे दोस्तों पोकेमोन सेंटर आ चुके हैं। अरे दीदी हमारे पोकेमोन को चेकअप की जरूरत है। ओके बच्चों तुम्हारे पोकेमोन को मुझे दे दो, मैं इसका चेकअप कर दूंगी और इन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर देना। बिल्कुल ठीक कर देना, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ओके थैंक यू वेट करने के लिए, अभी तुम्हारे पोकेमोन ठीक है। अरे वाह बहुत अच्छे, चलो अभी हम लोग चलते हैं। हमें और भी ज़्यादा पोकेमोन बैटल्स करने हैं ताकि दुनिया वाले को भी पता लग जाए कि दुनिया में असली बॉस आ चुके हैं पोकेमोन्स के। हाँ चलो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले यहाँ पे चलते हैं, इस वाले रास्ते में हमें और भी ज़्यादा लोग बैटल के लिए मिले जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला बोचान, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें और भी ज्यादा पोकेमोन्स को पकड़ना है ताकि हम लोग अलग अलग बैटल्स कर पाए। सारा दिन पिकाचू को ही थोड़ा लड़ाते रहेंगे। अरे हाँ दोस्तों ये देखो हमें एक और पोकेमोन मिला, इसको भी पकड़ लेते हैं। इसकी तो कैटरपी है, ये पोकेमोन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अरे वैसे भी हम लोग जंगल में जा रहे हैं, चलो कैटरपी को पकड़ लेते हैं, वहाँ पे मजा आएगा। बहुत अच्छे, हमने कैटरपी को तो बहुत ही आराम से पकड़ लिया। अरे दोस्तों लेकिन ये तो केंचुए जैसे दिखता है। अरे ये केंचुआ नहीं है मसाओ, कुछ भी मत बोला करो। चलो अभी हमने इसको पकड़ लिया, अभी हमारे पास टोटल 4 पोकेमोन हो चुके हैं। एक तो पिकाचू, एक पिजी, एक रिटाटा और एक कैटरपी। अभी हम लोग और भी पोकेमोन पकड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला कजामा। ओके चलो अभी हम लोग जंगल की ओर बढ़ते हैं, जंगल में हमें मिलेंगे बहुत ज्यादा चैलेंजर्स। अरे ये पिजी यहाँ पे उड़ रहा है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक पिजी है। हाई हाई, अभी ये हम लोग कहाँ पे आ गए? अरे ये लोग यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं? अरे कुछ भी कर रहे हैं, उनको बैठे देना, तू अभी चल आगे बढ़ो। हेलो दीदी कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। अरे शिनचान तुम आगे बढ़ा करो, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करा करो। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं विरिडियन के फॉरेस्ट में, यानी कि जंगल में। चलो अभी इस जंगल में देखते हैं सबसे पहला चैलेंजर हमारा कौन है। ओ यहाँ पे तो दीदी खड़ी है, लेकिन पहले इस बच्चे से बात करते हैं। ओए बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे भैया तुम लोग यहाँ से आगे जाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अरे ये तो भाई बड़ा ही गुस्सेदार बच्चा है। अरे हाँ चलो चलो आगे बढ़ते, ये पॉकीबॉल पड़ा है यहाँ पे, इसमें क्या है उठा के देखो, इसमें तो एंटीडोट है। एंटीडोट सा हम क्या करेंगे, कुछ तो कम आ ही जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे शिनचान अभी बस आगे बढ़ते रहो, हमें कुछ चैलेंजेस मिल ही जाएंगे। ओ सो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ओए बच्चे आजा चैलेंज कर। अरे भैया तुम मेरे साथ चैलेंज करना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अभी आ जाओ, एक सेकंड में तुम्हारी गुद्दी तोड़ दूंगा, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। इसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा डाउन है, लेकिन इसके अभी हम लोग देखना क्या हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम लोग छोड़ने वाले हैं हमारे पिकाचू को, क्योंकि हमारा पिजी तो पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और बाकी पोकेमोन्स उतने ट्रेन नहीं है। तो पिकाचू चल अभी इसको अपना फाइटिंग स्टाइल दिखा, इसने ये क्या छोड़ दिया। अरे भैया ये वीडल तुम इतना भी नहीं पता वीडल का क्या होता है, वीडल मेरा सबसे बेस्ट पोकेमोन है और देखना तुम्हारे पिकाचू को मेरा वीडल कैसे हराएगा। अरे वाह ये बच्चे तो बहुत ज्यादा बोलता है, अभी तुम चुप करके बैटल करो, अभी हम तुम्हें दिखाते हैं। अरे भाई 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 ये क्या, ये पिकाचू ने मेरे ऊपर अटैक किया लेकिन ये फेल हो गया। हाँ मेरा वीडल अभी तुम्हें दिखाना कैसा अटैक करेगा। ओए पिकाचू तुमने भी अटैक क्यों फेल कर दिया? अरे उनके वीडल ही ने अटैक कर दिया, लेकिन ये क्या हो गया, उसका ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा हमारे पिकाचू को। ओके अभी हम लोग पिकाचू को ठंडा शॉक देंगे, क्योंकि पिकाचू का ग्राउंड अटैक तो कुछ कम का नहीं। अरे वो अटैक के लिए भी पिकाचू ट्रेन नहीं है शिनचान, थंडर शॉक इज द बेस्ट, लेट्स गो। और इसी के साथ देखो उसके वीडल की हेल्थ। अरे ये क्या होगा, तुम्हारे पिकाचू तो मेरा वीडल को बहुत ज्यादा ही डाउन कर दिया, अब तो मुझे लगता है मैं हारने वाला हूँ। वीडल लूज के अटैक को तुम डिफेंस करो जल्दी से, पिकाचू थंडर शॉक करके खत्म कर दो। इसी के साथ हमारे ये बैटल भी हमने जीत लिया। ओए बल्ले बल्ले समझ गए बच्चे, तुम्हारे बस की ना है हमें हराना, क्योंकि हमें इस दुनिया का असली डॉन और हमें हराना के लिए आज तक कोई पैदा नहीं हो पाया। अरे मैं थोड़ा सा डायलॉग भूल गया था। अरे मसा तो बोला मत कर, अगर डायलॉग भूल जाता है बेइज्जती करवा देता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों को ढूंढते हैं और चैलेंज करते हैं। हेलो दीदी हमारे साथ पोकेमोन बैटल करोगी ना आप? पोकेमोन बैटल हाँ जरूर करूंगी, मुझे खुशी होगी। ओए वाह चलो चलो एक और कॉम्पिटिटर मिल गया, और यहाँ पे अभी देखना इसका नाम है लेस जोना। लेस जोना ये कैसा नाम है? जो भी है भाई इनके पास तो रिटाटा है, तो ये चूहे से तो हमें पंगा लेना है, लेकिन हम लोग इस चूहे को हराएंगे अपने पिजी से।
क्योंकि पिछली बार मेरा पिज्जी चूहे से ही आ रहा था। ओके ठीक है शिंजन, ट्राई करके देख ले, लेकिन पिज्जी अभी उतना ट्रेंड नहीं है तो ये रिस्क होगा। एग्जाम वगैरह आ रही होगी तो हम लोग पिकाचू को भेज देंगे लेने के लिए। अच्छा ठीक है गो पिज्जी, अभी तुम्हारी बारी है अपना क्या दिखाने की। अरे शिंजन पावर पावर। अरे उसने सस्ता पाद वाला टैग यूज किया जो कि कोई भी काम नहीं आया। अरे भाई बेचारे का पाद वाला टैग तो फेल हो गया। बेचारा, चलो सैंड अटैक करो शिंचन। नहीं नहीं मुझे लगता है हमें गस्ट अटैक करना चाहिए। पीजी गस्ट अटैक करो। अरे यार पीजी के टैक्स बहुत ज्यादा लेट वर्क करते हैं। लेकिन अभी करेगा ना पीजी हमारे गस्ट अटैक और ये कर दिया। ओ भाई उसका हाल तो देखो बहुत ज्यादा कम कर दिया है पीजी ने। हाँ चलो चलो सैंड अटैक भी साथ ही साथ कर देते हैं। यो अभी तुम ही लो हमारा टैकल अटैक। और भाई उसने टैकल कर दिया और अभी इसी के बाद अभी पीजी ने सैंड अटैक किया जो कि फेल हो गया। मुझे लगता है अभी हम लोग हारने वाले हैं दोस्तों। अरे मुझे लगता है हमें जल्दी पिकाचू को लाना चाहिए। ओके चलो पिकाचू अभी तुम्हारी बारी है। अरे वहाँ हमारे पिकाचू आ चुका है। ओके रेटाटा टैकल। अभी देखना तुम्हारे रेटाटा को 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा। पिकाचू अभी तुम्हारी बारी है क्विक अटैक करने की। और ये पिकाचू का क्विक अटैक बूम। ओ ये देखो उसका रटाटा तो बस खत्म ही है। ये क्या हो गया मेरा रटाटा तो हारने वाला है। हुई हुई ये पद वाला टैग फिर से मारा कोई भी काम का नहीं है। चलो अभी पिकाचू तुम इसको खत्म कर दो। अरे ये टेल व्हिप वाला अटैक करे पिकाचू। लेट्स गो पिकाचू अभी फोड़ दे। अरे भाई ये भी पद मारता है। पिकाचू क्यों क्यों क्यों। अरे भाई यार देखो तो सी अब उसके रटाटा को चांस मिल गया मारने का। ओ ये रटाटा नहीं मारा। चलो पिकाचू अभी मुझे लगता है तुम्हें थंडर शॉक देके इसको खत्म कर देना चाहिए। पिकाचू मारो अपना थंडर शॉक। ओ ये पिकाचू ने मारा थंडर शॉक और उसका रटाटा तो हो गया खत्म। यार मेरा रटाटा तो हार गया। ये इसको बोलते हैं प्रो लेवल के ट्रेनर्स। और इसी के साथ हम लोग ने अपना ये बैटल भी जीत लिया। तुम लोग तो बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हो। मैं तो मान गई यार तुम लोग बहुत ज्यादा प्रो हो। चलो तुम लोग भी बहुत अच्छे पोकेमोन ट्रेनर हो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ओके दीदी थैंक यू बाय बाय। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओए बच्चे तू क्या कर रहे है। ये तो तब से वही भी खड़ा है। ओए एक और बच्चा आ गया। अरे भैया मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ एक पोकेमोन बैटल। चलो आ जाओ मेरे साथ एक बार पोकेमोन बैटल खेल के तो देखो। ओके ठीक है इसको भी हरा ही देते हैं। आज तो पोकेमोन बैटल कर करके सबको हराएंगे। इस बार हम लोग कौन सा पोकेमोन यूज करके जाना है। अरे शिंचन देख अभी के लिए तो हमें जितना लग रहा है हमारे पिकाचू ही ट्रेंड है। बाकी सब पोकेमोन अभी हमारे बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है सो पिकाचू को ही यूज कर। ओके पिकाचू हम लोग इसको थंडर शॉक देंगे और एक झटके में खत्म कर देंगे ठीक है पिकाचू। अरे भैया लेकिन इतनी जल्दी मेरा ये नहीं खत्म होगा। मेरा पिकाचू भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें लगता है लेकिन अभी देखो मेरे पिकाचू का थंडर शॉक तुम्हें क्या करता है। ओए ये पिकाचू का थंडर शॉक। अरे ये क्या मेरा तो हारने वाला भाई मैं तो हार जाऊंगा भैया। अरे अरे ये क्या हो गया मेरा कैटर भी कुछ कर कैटर भी। अरे यार कैटर भी तुमने तो अटैक ही फेल कर दिया कैटर भी मैं तो हार जाऊंगा ऐसे। अरे बच्चे अब तो तू हार गया भाई देख तुझसे ना हो पाएगा। तू अभी ना तू हार मान ले क्योंकि पिकाचू का थंडर शॉक बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये मारे पिकाचू ने थंडर शॉक और इसी के साथ हम लोग जीत गए बूम बैम। अरे यार मेरा कैटर भी हार गया। अरे वाह हमारा पिकाचू तो कति जहर है भाई। मतलब कैसे सबको पहले जा रहा है। अरे लेकिन हमें पिकाचू को ना पोकेमोन सेंटर भी ले जाना पड़ेगा क्योंकि इतनी बैटल्स के बाद तो पिकाचू थक ही चुका होगा। हाँ बिल्कुल सही बोले तुमने कज़ाना है। ओए अभी आगे बहुत सारे ट्रेनर्स होंगे। अरे भाई ये देखे एक और कॉम्पिटिटर आ गई। ओए दीदी तुम्हें हमारे साथ बैटल करनी है क्या। हाँ मैं अभी तुम्हारे साथ बैटल करना चाहती हूँ। चलो लेट्स गो एक बैटल हो जाए। चलो वन मोर बैटल। लेकिन इनके पास कौन सा पोकेमोन होगा देखना तो बनता है। कौन सा पोकेमोन है आपके पास। मेरे पास है निडोरन लेट्स गो। निडोरन अरे ये कौन सा पोकेमोन है मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा कज़ाना। जो भी है चलो चलो पिकाचू इसको भी दिखा दो तुम्हारी पावर थंडर शॉक मार के। ये मेरा पिकाचू ने थंडर शॉक और उसका है तो देखो। ये क्या तुम्हारा पिकाचू तो बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन मेरा निडोरन भी कुछ कम नहीं है। अरे लेकिन आपका निडोरन अभी हार जाएगा क्योंकि पिकाचू का दूसरा थंडर शॉक ही पूरा खेल ही खत्म कर देता है। ये लो और इसी के साथ पिकाचू ने कर दिया खेल खत्म। ये क्या मेरा निडोरन तो हार गया। यार तुम लोग तो बहुत बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर बनते जा रहे हो। मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना है क्योंकि तुमने पिछले सभी ट्रेनर्स को हरा दिया है। हाँ हम लोग रास्ते में जितने भी मिल रहे हैं सबको हराते आ रहे हैं। तभी हमने आपको भी हरा दिया अभी आगे जितने आएंगे सबको भी हराएंगे। हाँ और फिर सबको यकीन हो जाएगा कि हमसे बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलो आगे कोई है क्या बच्चा कुचा चैलेंजर होगा भी तो डर के कोने में छिप जाएगा बहुचैन।
हाँ वैसे बात तो सही कही तुमने शिनचैन, सारे के सारे अभी पोकेमोन ट्रेनर हमसे डरेंगे। आगे अभी कौन है, कोई तो रस्ते में आ जाओ, हमसे पंगा लो, हमसे पंगा लो। कोई भी नहीं ले रहा हमसे पंगा। हाँ मुझे नहीं लगता अभी हमसे कोई पंगा लेने के लिए आएगा, क्योंकि हमने पीछे के पीछे सभी लोग को हरा दिया। ओ ये रही एक दीदी, आई थिंक ये पक्का लड़ेगी। ओए हेलो, मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहती हूँ एक और पोकेमोन बैटल। अरे यार ये सब एक जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि हम सब सिस्टर्स हैं, हम शक्ल। अरे वाह, तभी मैं कहूँ कि ये बार बार कैसे आ रही है, हम तो बस लड़ते जा रहे हैं, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। हाँ दिखती एक जैसी है। चलो इसने क्या छोड़ दिया? अरे पिजी छोड़ा। चलो पिकाचू इस पिजी को भी दिखा दूँ अभी तू। वैसे तुम्हारा पिकाचू एक ही सबके बराबर है, सो पिकाचू दोबारा से दो इनको थंडर शॉक। ओए पिकाचू मारो अपना थंडर शॉक। ये मारा पिकाचू ने थंडर शॉक और इसका पिजी तो एक ही झटके में खत्म हो गया। ये क्या, तुम्हारा पिकाचू तो ओवर पावर्ड है। तुम्हारे पिकाचू मुझे नहीं लगता कोई हरा पाएगा। ओ भाई पिकाचू ने एक ही थंडर शॉक में उसको पूरा खत्म कर दिया। क्या बात है पिकाचू, तू तो कत्ती भाई, मतलब क्या ही बन गया तू तो, ये तो बहुत ज्यादा ट्रेन हो चुका है। हाँ पिकाचू बहुत ज्यादा ट्रेन हो चुका है, एक ही झटके में खत्म खलास। ओ ये कौन सा पोकेमोन है? वाओ ये तो मेटापॉड है, मेरा फेवरेट पोकेमोन, मैं पकड़ूंगा इसको। हाँ जाओ। हुई बोचा तुमने मेटापॉड को पकड़ लिया? हाँ ये पोकेमोन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेट्स गो। और इसी के साथ मैंने मेटापॉड को पकड़ लिया। अरे वाह बोचा तुमने बहुत अच्छा काम किया, अभी हमारे पास एक और पोकेमोन आ चुका है मेटापॉड। मतलब अभी हमारे पास टोटल के टोटल 5 पोकेमोन हो गए। हाँ शिनचैन अभी हमारे पास टोटल 5 पोकेमोन हो गए, और अभी देखो आगे आगे कितने मस्त मस्त पोकेमोन हमें मिलने वाले हैं। इन सब पोकेमोन को भी हम लोग ट्रेन करेंगे, और देखना फिर ये भी पिकाचू की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने कज़ामा। अरे ये क्या, यहाँ पे और पोकेमोन है, इसको पकड़ना नहीं चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं इतने ज्यादा पोकेमोन क्या करेंगे, ऑडिश को रहने दो, ऑडिश अभी अभी के लिए तो हमें नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है चलो ऑडिश को भी हम लोग स्किप कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमें और भी ज्यादा चैलेंजिंग मिल सकते हैं। अरे मुझे नहीं लगता अभी हमें चैलेंज करने वाले यहाँ पे कोई बच्चा है। एक दो बंदे तो होंगे, ये देखिए यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है। ओए बच्चे पोकेमोन बैटल करेगा क्या, तू अकेला ही बच्चा है? अरे भैया मैं करूँगा तुमसे पोकेमोन बैटल, आ जाओ अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा अच्छा पोकेमोन है। अबे ये कौन सा पोकेमोन छोड़ेगा? मेरे पास है मेटापॉड। अरे वाह मेटापॉड, मैंने अभी अभी पकड़ा था। और तुमने अभी भी पकड़ा है, लेकिन मुझे पकड़े बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। ओए पिकाचू इसको थंडर शॉक दे के इसको भी खत्म करो, ये बच्चे आजकल किस मर्ज़ी से लड़ना चाहते हैं। और ये मारा पिकाचू ने थंडर शॉक, उसके मेटापॉड की तो हालत पतली है, उसके मेटापॉड ने भी कितना गंदा अटैक मारा, इसलिए तो मैंने बोला मेटापॉड अच्छे होते हैं। अभी देखो मेरा मेटापॉड, मेटापॉड यहाँ से बचो। अरे नहीं मेरा मेटापॉड तो हार गया। हुई हुई इसी के साथ पिकाचू ने एक और बैटल जीत ली। अभी तो मुझे लगता है भाई पिकाचू को यहाँ पे ना पोकेमोन सेंटर ले जाना पड़ेगा, इसने बहुत ज्यादा बैटल्स कर लिए। हाँ मुझे भी लग रहा है पिकाचू थक चुका है, और हमारी बाकी पोकेमोन भी। यार तुम लोग ने जंगल के सभी पोकेमोन्स वाले ट्रेनर को हरा दिया, ये तो तुम लोग बहुत ज्यादा तगड़े पोकेमोन ट्रेनर हो, मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। हुई ये देखो यहाँ पे एक और पोकेमोन मिला, ये तो मेटापॉड है, हमारे पास है भाई, तू और नहीं चाहिए। हाँ यार बिल्कुल वही तो, चलो चलो इसको भी स्किप करो, इन्हें यहाँ पे हमने जंगल के जितने भी लोग थे ना सभी को हरा दिया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या मिलेगा? आगे जो भी मिलेगा बस आगे बढ़ो। यहाँ पे दो लोग क्यों खड़े हैं, अंकल खड़े हैं, तीसरा भी है। अरे वाह तीन तीन लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये हम लोग कहाँ पे आ गए कज़ामा? ओके शिनचैन सो हम लोग आ गए रोड टू पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अरे रे टाटा घूम रहा है यहाँ पे तो। अरे दोस्तों आगे तो कोई सिटी है, ये तो प्यूटर सिटी है, लेट्स गो। ये देखो चीता गया है। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पे पहुँच गए, देखो तुमसे पहले मैं पहुँचा। देखो भाई यहाँ पे एक जिम है जिसमें होते हैं पोकेमोन बैटल्स, और अगर तुमने जिम लीडर को हरा दिया तो वहाँ से तुम्हें बैज मिलेगा। ओ मतलब जिम लीडर को हराने में हमें बैजेस मिलेंगे? हाँ लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पोकेमोन को और ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिम लीडर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ओके ठीक है, और ये लो पोशंस तुम्हारे काम आएंगे। चलो अभी मैं चलता हूँ, वैसे भी तुम लोग नहीं हरा पाओगे नोबड़े कहीं के। अरे वाह ये चीता तो मतलब कुछ भी करता रहता है। ओ कैसे यहाँ पे चीता तो चला गया, अभी हमें यहाँ पे पोकेमोन सेंटर में अपने पोकेमोन्स को हील कर लेना चाहिए। हाँ आज तो ये फाइट कर करके थक चुके होंगे। बिल्कुल सही बोला, चलो चलो। अरे दीदी हमारे पोकेमोन्स आज फाइट करके थक गए, हील कर दो। ओके जरूर अपने पोकेमोन्स को मुझे दे दो, मैं यहाँ पे सभी पोकेमोन्स को एकदम झकास और ठीक कर दूंगी।
मेरे सारे के सारे पोकेमोन जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हमें जिम में जाना है और उस लीडर को हरा के बैजेस लेने हैं। हाँ यार जल्दी जल्दी, थैंक यू दीदी आपने हमारी बोतल की। यू वेलकम, सी यू अगेन। अरे चलो भाई अभी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, देखो अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाने वाले उस जिम लीडर के पास और उसको हम लोग हराएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला बो, क्योंकि तब तक हम लोग अपने पोकेमोन्स को और भी ज्यादा ट्रेन कर लेंगे। बिल्कुल सही बोला। सो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हम उस जिम लीडर को हराएं और उनसे बैच लें तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, आप सभी को बाय बाय।